हाय एवरीवन, दिस इज़ रॉबिन एंड आई वेलकम यू ऑल इन अ न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में हम जानेंगे दो शब्दों के बारे में जो कि कभी ना कभी आपको कहीं कहीं डिस्टर्बिंग साबित होते हैं, यानी कि आपको कंफ्यूज करते हैं। जहां पर मैं पहले वर्ड की बात करूंगा एक्सेप्ट, और दूसरा शब्द हमारे सामने होगा एक्सेप्ट। इन दिनों के बीच में किस तरीके से हम डिफ्रेंशिएट करेंगे आखिर में, हम वो भी जानेंगे। तो पहला शब्द हम देखते हैं एक्सेप्ट। सभी को पता है अगर हम किसी चीज़ को रिसीव करने के लिए एग्री कर जाते हैं, यानी कि हम मान गए हैं उसे एक्सेप्ट करने के लिए। अगर आप किसी चीज़ या फिर किसी ऑफर या प्रपोजल की बात करते हैं और आप वहाँ पर यस कह दें, मतलब आपने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया है। जैसे कि कैरोल ने हैप्पीली एक्सेप्ट किया एंडी का गिफ्ट। नेक्स्ट शब्द है हमारा एक्सेप्ट। एक्सेप्ट में दिए गए यहाँ पर फिगर में आप देख पाएंगे कि कुछ एप्पल से अलग हटके है एक ब्लैक एप्पल। All the apples were fresh except one. अब इन्हीं दोनों वर्ड को हम एक स्टेटमेंट में यूज़ करेंगे। The college had accepted all the applicants except those with poor grades. तो पहला शब्द हमारा accepted आता है जहाँ पर मैंने किसी चीज़ को स्वीकार करने की बात की, जो कि applicants थे। Accept, जिसका अर्थ मैंने कुछ लोगों को exclude कर दिया, जो कि कौन थे, जिनके poor grades थे। अब इस चीज़ को हम कैसे याद रख सकते हैं? यहाँ पर मैंने यूज़ किया है एक्स, किसके अंदर? एक्सेप्ट के अंदर। तो ये एक्स हमेशा आपको ये रेफर करता है कि किसी चीज़ को आपने एक्सक्लूड किया है या फिर छोड़ दिया है। यही आपको बता देता है कि आपका एक्सेप्ट और एक्सेप्ट में क्या डिफरेंस होगा। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ डू लाइक इट। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।